देखिए इनके पास टेम्परिंग टूल हुआ करते थे, स्क्रू ड्राइवर प्लस के अलावा एक विशेष प्रकार का इन लोगों ने मेटल का चिमटा बना के रखा था। जब भी कोई एटीएम कार्ड इंसर्ट किया जाता है और एटीएम का जो जहाँ से पैसे निकासी होती है वहाँ का जब ओपनिंग होती है तो वहाँ पर ये लोग अपना चिमटा इंसर्ट कर देते हैं और उसके बाद चिमटे में एक विशेष प्रकार से ये लोग धागे से रस्सी को धागे से लकड़ी को बांध कर और चिमटे को इंसर्ट करते हैं जिसमें ये लोग नोट फंसाते हैं। पूछताछ पर ये पता चला है कि जिस गांव से ये आते हैं प्रतापगढ़ ज़िले के उस गांव में बहुत सारे लोगों को सिखाया जाता है और जिस व्यक्ति ने ट्रेनिंग दी थी वो 10 साल पहले ये काम छोड़ चुका है। ये यूपी के प्रतापगढ़ ज़िले के निवासी हैं। ये 5 लोगों की ये टीम थी और इनमें से 4 को हमने गिरफ्तार किया है। ये काफ़ी लंबे समय से वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अभी तक लगभग इन्होंने 4 अलग अलग राज्यों में उत्तराखंड यूपी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अलग अलग ए टीम को टारगेट किया है। मध्य प्रदेश में इन लोगों ने इंदौर उज्जैन विदिशा बैतूल ज़िले के ए टीम को टारगेट किया था। सागर में इन लोग पैसे नहीं निकाल पाए, सागर में उनको पकड़ लिया। देखिए एटीएम के साथ हमारे साइबर सेल को हमने जोड़ के रखा है। जब एटीएम में टेम्परिंग की किसी प्रकार की जानकारी रहती है हमारे साइबर सेल पर पहुंचती है। साइबर सेल के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि थाना कैंट क्षेत्र में एटीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है। तो जब हमारी टीम वहाँ पर रवाना हुई तो उनके द्वारा दोबारा मैसेज करवाया गया कि सर एक से ज़्यादा एटीएम के साथ छेड़छाड़ की संभावना है। तो जो जो लोकेशंस उन लोगों ने हमें बताई थी उन लोकेशन पर हमने अपनी टीम रवाना करी। कैसे करते थे, क्या तरीका था इनका? ये लोग ग्रुप में काम करते थे। 5 लोगों की टीम रहती है जिसमें 2 लोग टेम्परिंग टूल एक्सपर्ट होते हैं जो एटीएम के अंदर टेम्परिंग टूल इंसर्ट करते हैं, एक ड्राइवर ही करता है और 2 लोग इसमें निगरानी करते हैं। ऐसा करके इन लोगों ने 5 लोगों की टीम बनाई। सर इनके पास से क्या क्या जब्त हुआ? इनके पास से हमें एक वाइट कलर की डिज़ायर कार जब्त हुई जो यूपी पासिंग की थी। इनके पास फर्जी नंबर प्लेट्स मिले हैं, स्कूटर मिली है, बत्ती मिली है और यूपी वन सेवा की एक पी कैप मिली है। इसके अलावा स्क्रू ड्राइवर्स प्लास काफ़ी कुछ चीज़ें इनके यहाँ से बरामद। चलो प्रोसेस करो। ये 100 रुपए डाल के देगा। 100 रुपए की डाल। ये जो स्टील वाली चीज है ये है पट्टी जो फंसा देते हैं। हाँ, ये ऊपर की ये हाँ, ये पट्टी है, ये स्टील वाली पट्टी जो है ये फंसाई गई पट्टी है। ट्रांजैक्शन कर दिए? कैश इज नॉट अवेलेबल, इसमें कैश ही नहीं है, प्लीज बचे रहो। अच्छा यही अवेलेबल होता तो ये रोलर ये रन करता। ये रोलर रन करने के बाद चूंकि यहाँ स्टील की पट्टी लगी हुई है इस कारण से फिर इसमें से पैसे फंस जाते हैं। ऐसी स्टील की पट्टी को ये लोग खींच के पैसा सहित निकाल लेते हैं। यही ना है सिस्टम, और इसलिए इन लोगों का ज्यादा फायदा नहीं।